सितम गरबे वफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, सितम गरबे वफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती, मैं इजहारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर, मैं इजहारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर, उसे उर्दू नहीं आती मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती मुझे इंग्लिश नहीं आती, है उसे उर्दू नहीं आती मुझे इंग्लिश। वाह, और सुना करे अब भाई जब महफिले जमले इंतखाब आएगा कि वक्त तेरा खराब आएगा, जमले इंतखाब आएगा वक्त तेरा खराब आएगा, और अहले हक होंगे मुत्तहिद जिस दिन, अहले हक होंगे मुत्तहिद जिस दिन, एक नया इनकलाब आएगा, नया इनकलाब आएगा, जमले इंतखाब आएगा। जनाब हाफिज तनवीर अहमद, तुम मेरे साथ हो भीगती रात में, तुम मेरे साथ हो भीगती रात में, लग न जाए कहीं, लग न जाए कहीं आग बरसात में, तुम मेरे साथ हो भीगती रात में। और एक कि अब हमें बात करने की फुर्सत नहीं, अब हमें बात करने की फुर्सत नहीं, अब हमें बात करने की फुर्सत नहीं, आ गए हम कहाँ, आ गए हम कहाँ, बात ही बात में चांदी से डॉलर सोने से, न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर न खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, सोने से न चांदी से डॉलर ना खजाने से, चमकेगी तेरी मुझे दे रहा है।
एक शेर पेश करता हूँ लाजा ग्रह दिगरे दिन पे आ जाए तुम सर को कटा देना तुम सर को कटा देना कर दीने पे आ जाए तुम सर को कटा देना ये दर्स मिला हमको ये दर्स मिला हमको आका के घर तीन चार वर्ष जगह कि जब आए नबी बन के मेहमान मदीने में जब आए नबी बन के मेहमान मदीने में जब आए नबी बन के शेर को पढ़ने के लिए मैंने पतला पढ़ा है पेश करता हूँ राजा ग्रहण कि जब उनको खबर पहुंची सरकार के आमद की जब उनको खबर पहुंची सरकार के आमद की जब उनको खबर पहुंची जब उनको खबर पहुंची सरकार के आमद की चले आए से चले आए सलमान मदीने में फारस से चले आए सलमान मदीने में सरता पाप शेबा
बन गए कुफार के नरगिस सरताप बशर बन गए कुफार के नरगिस सरताप बशर बन गए कुफार के नरगिस सरताप बशर बन गए नींद सितारों के क्या बात है वो भी चमकते हैं नींद सितारों के वो अभी चमकते हैं मानिंद सितारों के वो अभी चमकते हैं मानिंद सितारों के चमकते हैं मानिंद सितारों के वो भी चमकते हैं मानिंद सितारों के वो भी चमकते हैं बुबकी रोमर नहीं मेरी भी सलाह मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ा सा अगर आपको पसंद आएगा तो हो सकता है और कहीं पढ़ा जाए पेश करता हूँ मतलब समाज से सल्ले अला बोल अल्लाह के रसूल की आमद के नूर से रोशन है कायनात मोहम्मद के नूर से सूरज में और नजात सितारों में कुछ नहीं है सूरज में और नजात सितारों में कुछ नहीं है सब जग मगाता है हर गुंबद के नूर से सल्ले अला बोल और मुझे कि काफूर एक पल में हुआ जहर सांप का पेश करता हूँ कि काफूर एक पल में हुआ जहर सांप का कितना असर था मेरे नबी के लोग पढ़कर दुरूद पाक पढ़कर दुरूद पाक कि मैं सोता हूँ इसलिए पढ़कर दुरूद पाक कि मैं सोता हूँ इसलिए तशरीफ लाएंगे पढ़कर दुरूद पाक कि मैं सोता हूँ इसलिए
इस्लाम जिंदाबाद है कुरान जिंदाबाद कि इस्लाम जिंदाबाद है कुरान जिंदाबाद मेरे रसूल पाक का फरमान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद है कुरान जिंदाबाद मेरे रसूल पाक का फरमान जिंदाबाद उस वक्त तक जहां में कयामत ना तक जहां में नया मदीना आएगी जब तक है एक साहब ईमान जिंदाबाद मोरे कब आई मोरे कि जब जब आवेला हज का महीना कि जब जब आवेला हज का महीना नैनन से नीर चुए टपके लामनवा नैनन से नीर चुए तड़पे लामनवा डोलेला 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 जियरा इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता कि हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी वो जो है माइक नहीं बजता है मैं अकेले बहुत बहुत आराम से
वो ना आए होते तो दरिया को तगयानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तस्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो रमजान मुबारक के 29-30 रोजे मयसर न हुए होते, वो ना आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाज़त दीजिए तो कह दूँ कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो के वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो के जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र पाखा ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए ज़मीन पे पैदा करता है तो पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं कुएँ पे सहेलियों के साथ पानी लाने जाती हूँ, कुएँ का पानी उछल कर इस्तकबाल करता हुआ नज़र आता है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरा बतन महकता है, घर बार महकते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इत्र लगाई कहां से है, तू लाई कहां से है। हजरत आमना से हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, बदन का महकना तो दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, घर का महकना दरो दूर की बात, अरे अम्मा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार होती है। कुरान करीम में देख लीजिए अल्लाह ने किस अंदाज में कहा, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में नबी को साकिब बना दिया, अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में नबी को खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में नबी को सराजा मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने सौद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने सौद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में नबी को ज़फ़र बना दिया, अल्लाह ने आयन लिखा कुरान में नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को कवि बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में नबी को नज़ीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में नबी को वाइस बना दिया, अल्लाह ने या लिखा कुरान में नबी को यासीन बना दिया। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ तारीफ नहीं।